दोस्तों आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 तीन 2022 को जो मीटिंग हुई थर्ड PRC को लेकर, इसमें किन बातों की चर्चा हुई है और किन किन मुद्दों पर BSNL मैनेजमेंट साइड और BSNL स्टाफ साइड ने चर्चा की है और ये चर्चा कहां तक पहुंची है। तो हम दोस्तों आज आपको इस थर्ड PRC लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। पुनर्गठित वेतन संशोधन समिति की तीसरी बैठक आज आयोजित की गई। स्टाफ साइड के सदस्यों ने 5% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन के लिए दृढ़ता से तर्क दिया। उन्होंने यह भी मांग की कि वेतन संशोधन समिति द्वारा पहले से ही अंतिम रूप दिए गए वेतन मानों को बिना किसी बदलाव के लागू किया जाना चाहिए। काफ़ी विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी विचार विमर्श किए गए, बहुत सारी बातों का अध्ययन किया गया। उनके बाद 3-4 इम्पोर्टेंट मुद्दे जो थे वो निर्णय लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों ये जो 3-4 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं इनको मैं विस्तृत से बताता हूँ। स्टाफ साइड की 5% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन की मांग पर प्रबंधन का दृष्टिकोण लिया जाएगा। 2022 से 2026 तक जो कर्मचारियों का स्थगन का सामना कर रहे हैं उनकी संख्या एकत्र की जाएगी। स्टाफ साइड द्वारा 0% फिटमेंट के मामले में पेंशन में कमी के संबंध में प्रबंधन दिए गए उदाहरणों की जांच प्रबंधन पक्ष के द्वारा की जाएगी। वेतन में कमी यदि कोई है हो तो वेतन संशोधन के बाद उत्पन्न होगी, जो वेतन संशोधन के बाद उत्पन्न होगी ऐसे मामलों पर प्रबंधन पक्ष द्वारा आगे अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों ये 4 निष्कर्ष निकले हैं, 4 इम्पोर्टेंट मुद्दे निकले हैं। फिर जो है अगले वेतन वार्ता जब होगी, कमेटी की बैठक होगी, उसमें फिर से चर्चा की जाएगी। तो दोस्त देखते हैं दोस्तों आगे क्या फिर चर्चा होती है, हम ज़रूर आपको अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।